भारत में 8 साल में सबसे कम रह सकती है सोने की मांग। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान, जुलाई सितंबर में भारत में गोल्ड की मांग 24% घटी। नोटबंदी, जीएसटी, पीएमएलए से मांग पर बड़ा असर। मेटल्स की कीमतों में भारी गिरावट, एमसीएक्स पर निकल का भाव 3% से ज्यादा लुढ़का, भाव 800 रुपए के नीचे फिसला। पीली मटर पर इंपोर्ट ड्यूटी 50% बढ़ी, घरेलू बाजार में दलहन कीमतों को सपोर्ट देने की कोशिश। खबर के बाद इंट्राडे में चना वायदा 4% तक उछला, कारोबार के अंत में तेजी गायब। गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% बढ़ी, इंपोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़कर 20%, वायदा बाजार में करीब 1.5% की मजबूती। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करेंगे आज की एक बड़ी खबर की। और खबर यह है कि भारत में गोल्ड की डिमांड को बड़ा झटका लगा है और जीएसटी लागू होने के बाद देश में गोल्ड की डिमांड 24% घट गई है। जी हां, आपको बता दें कि 24% की भारी गिरावट आई है गोल्ड की डिमांड में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की यह ताजा रिपोर्ट है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यह आशंका जताई है कि 2017 में भारत में गोल्ड की डिमांड 8 साल में सबसे कम रह सकती है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण वजह हैं जिससे डिमांड के ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। 2017 में 650 टन डिमांड की संभावना जताई गई है, 660 टन के ऊपर देख पा रहे हैं गोल्ड की डिमांड को लेकर के। और गोल्ड की डिमांड को बड़ा झटका लगा है, 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू है और जीएसटी लागू होने के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में 24% गोल्ड की डिमांड में कमी आई है। और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया में भी गोल्ड की डिमांड में गिरावट आई है और सितंबर तिमाही में डिमांड 9% घटकर 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ग्लोबल मार्केट में सितंबर तिमाही में 915 टन की डिमांड रही है। तो ये दुनिया भर में गोल्ड की ताजा मांग को लेकर के तस्वीर है, यानी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में गोल्ड की डिमांड में कमी आई है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एनालिस्ट मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ प्रथमेश माल्या हैं एंजल कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल अमित सजेजा आपसे ये होगा, जो डिमांड में कमी आई है, इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हुई है, ज्वेलरी की डिमांड कम हुई है, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिखने वाला है? देखिए, जो हमने इस साल देखा है कि एक्चुअली आप प्राइमरीली बोले इन्वेस्टमेंट डिमांड की अगर बात करें तो प्राइसेस क्योंकि इंडिया में भी पिछले 2 सालों से लगभग एक दायरे में है, तो वो एक चीज है जो यू नो मे बी इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रही है। साथ ही साथ जो इक्विटी मार्केट्स है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाकी सब मार्केट्स को, तो वहां पैसा जा रहा है। जहां तक जीएसटी के इम्पैक्ट की सवाल की जो बात है, हमने देखा था कि प्रीएम्प्ट करके लोगों ने यू नो जीएसटी लागू होने के पहले ही काफी जो डिमांड है उसको एंटिसिपेट करके इंपोर्ट कर लिए थे, तो उन महीनों में हमने देखा था कि दिवाली के पहले वाले महीनों में इंपोर्ट जो थे वो बढ़ के आए थे। उसके बाद जो अभी जो आंकड़े आए हैं उस हिसाब से घट के आ रहे हैं। नेट नेट डिमांड पे डेफिनेटली इंपैक्ट हुआ है क्योंकि इंक्रीमेंटल 1% और जीएसटी में टैक्स बढ़ा है, तो पहले ही थोड़ा सा इंडियन कंज्यूमर्स के यू नो कंफर्ट लेवल के बाहर है। 29,000-30,000 के करीब प्राइसेस हैं ब्रॉडली, तो इन लेवल्स पे डिमांड हमने देखा है कि ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पा रही। ओके, ठीक है। हमारे साथ भार्गव वैद हैं, बुलियन मार्केट के बड़े एक्सपर्ट हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपको क्या लगता है, जो डिमांड में तेज गिरावट आई है, इसमें आप कितनी रिकवरी की उम्मीद देख रहे हैं? क्योंकि जीएसटी के बाद का ये पहला आंकड़ा है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का तिमाही का आंकड़ा, और जीएसटी का भी इंपैक्ट हुआ है, नोटबंदी का भी इंपैक्ट हुआ है, पीएमएलए का भी इंपैक्ट हुआ है। अब आपको लगता है कि यहां से डिमांड में रिकवरी आएगी या फिर आपको लगता है कि डिमांड अभी बढ़ने की संभावना बेहद कम है? भार्गव वैद, लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा। प्रथमेश माल्या,
जो ताजा तस्वीर है गोल्ड डिमांड को लेकर के ग्लोबल मार्केट की और इंडियन मार्केट की, इसको देखते हुए आपका प्राइस के ऊपर क्या कमेंट होगा? क्या आपको लगता है कि भाव के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है, दाम गिरने वाले हैं? मेरे ख्याल से अभी जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होगा वो फेड का रेट हाइक को लेकर होगा और वही एक डिसिसिव फैक्टर होगा। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, सारे फैक्टर्स प्राइस में इंक्लूड हो चुके हैं, तो यहाँ से इन फैक्टर्स का ज्यादा कोई लेना देना नहीं होगा। हालांकि अगर काफी डायरेक्शन लेस रहा है, वन साइड नहीं रहा है गोल्ड में जो मोमेंटम है, तो मेरे ख्याल से अपसाइड में 30,000 तक का पॉसिबिलिटी दिखता है। नीचे में अगेन कोई भी डिप्स आते 28,000 वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। सेकेंड पॉइंट यह है कि ये 30,000 जो प्राइस है इंडियन, ठीक है आपके पास आऊंगा। हमारे साथ भार्गव वैद्य जुड़े हैं, बीएन वैद्य एसोसिएशन के मुंबई से, बुलियन मार्केट के बड़े एक्सपर्ट हैं। भार्गव जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपको क्या लगता है, आपको कितनी उम्मीद है आगे डिमांड में रिकवरी की? डिमांड तो थोड़ी स्टेडी हो जाएगी, और जैसे जैसे विंटर क्रॉप का बिट्स आउटपुट आएगा तो डिमांड पिकअप करेगी, और प्राइस जब भी थोड़ा स्पाइक होता है तो थोड़ा ज्यादा डिले हो जाता है, मगर मुझे ओके ठीक है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर डिमांड में गिरावट आई है, काफी बड़ी गिरावट है, और ना सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी डिमांड में तेज गिरावट आई है। प्रथमेश माल्या, आपका क्या कमेंट होगा प्राइस को लेकर? हेलो, देखिए मेरे ख्याल से 30,000 है ये पॉसिबल कैप लगता है। जी हेलो, चलिए आपके पास आऊंगा प्रथमेश, आपके पास आऊंगा। लेकिन 30,000 पॉसिबल कैप, हाँ आपके पास आऊंगा। हमारे साथ भार्गव वैद्य बने हुए हैं। भार्गव, आपके हिसाब से प्राइस का ट्रेंड क्या होने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी डिमांड में कमी आई है? ये ग्लोबल मार्केट में डिमांड कमी आई है, उस हिसाब से प्राइस का जो वो एक्सपेक्टेड था और उस पर प्राइस इंपैक्ट काफी टाइम से आ गया। अभी जो भी मिडिल ईस्ट में थोड़ी सी भी क्राइसिस है उस हिसाब से ये स्पाइक आया है। ये ज्यादा देर मीन्स बहुत रहेगा नहीं, तो उसमें तो भी गोल्ड में एक ऐसा है कि डिप से बाय करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस में, तो 29,500 से इंडियन मार्केट के लिए बोलूंगा कि इट्स अ गुड बाय फॉर अ कंज्यूमर। मैं 29,000 से नीचे दिखता भी नहीं हूँ प्राइस। ओके, डिमांड का जो डीप है वो था, ठीक है, और जब भी डीप आता है इंडियन मार्केट विल इंप्रूव हमारा डिमांड। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट प्राइस के में नहीं आएगी, 29,000 के नीचे आप गोल्ड का भाव नहीं देख रहे हैं। अमित सजेजा, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रथमेश, आपका व्यू क्या है? जो बात यहां पर भार्गव कह रहे हैं कि 29,000 के नीचे भाव जाने की संभावना कम है, साल के अंत तक आपका आउटलुक क्या है प्राइस को लेकर? देखिए फार्मिंग कम्युनिटी में इस बार मेरे ख्याल से जैसे चाहिए वैसे इनकम नहीं हुआ है, जो रेन से काफी अनइवन रहे डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इन दैट सेंस जो स्पेयर इनकम है वो गोल्ड में जाता है, वो पॉसिबिलिटी नहीं जाते हुए दिखेगा। सो इन दैट सेंस मेरे ख्याल से अगर ईयर एंड तक की बात करें तो मेरे ख्याल से 30,500 का कैप होगा, इसके ऊपर जाना मुश्किल लगता है। ओके, अमित सजेजा, ताजा तस्वीर को देखते हुए इंट्राडे ट्रेडर को गोल्ड में क्या करना चाहिए? इंट्राडे में आपको लगता है कि गोल्ड में अभी बिकवाली का मौका बन रहा है? जी देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है यूएस में, जहां पर जो यूएस सेनेट है वो अपना जो टैक्स का बिल है डोनाल्ड ट्रंप का, उसका अपना एक वर्जन प्रेजेंट कर सकती है, और उनका ये मानना है कि ये जो कॉरपोरेट टैक्स दरों में जो है वो कटौती जो है एक साल तक टाली जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है रिसेंट टाइम्स में वो हो सकता है कम हो जाए, जिस वजह से डॉलर को हेल्प हो। कुछ हद तक हमने देखा है कि $1,260 से $1,285, $86 के आसपास ऑलरेडी ये फैक्टर हो चुका है, तो यहां से इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अभी भी लेकिन बाइंग का मौका है। स्पेसिफिकली 101 रुपए की गिरावट होगी तो अब डाउनसाइड में 29,450-500 के रीजन में बाय कर सकते हैं, अपसाइड में 29,700-750 तक का स्कोप है, तो इंट्राडे ट्रेडर्स बाइंग करके चल सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडर को गोल्ड में बाय करके चलना चाहिए। 29,470 का लेवल होगा, टारगेट होगा 29,700 का, लेकिन 29,340 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। गोल्ड के बाद अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, और दूसरी बड़ी खबर मेटल में है। निकल का भाव 800 रुपए के नीचे आ गया है एमसीएक्स पर, और भारी गिरावट के साथ यहां पर मेटल में ट्रेड हो रहा है। आपको बता दें कि कॉपर का भाव करीब एक महीने के निचले स्तर पर है,
और निकल में जोरदार गिरावट आई है। हाल ही में निकल 830 रुपए के नीचे था, पिछले दो तीन कारोबारी पहले यहां पर भाव 830 रुपए के ऊपर था, अब बाजार में तेज गिरावट आ चुकी है 800 रुपए के नीचे। एमसीएक्स पर निकल का भाव लुढ़क चुका है। डॉलर में मजबूती और तेजी पर बिकवाली, ये दो महत्वपूर्ण वजह हैं जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को बड़ा झटका दिया है। आपको लगता है प्रथमेश माल्या कि जो गिरावट आई है निकल में, ये बाइंग का एक अच्छा मौका है, या फिर आपको लगता है कि ये गिरावट अभी थोड़ी और बढ़ेगी? मेरे ख्याल से गिरावट और जारी रहनी चाहिए। जहां से रैली हुई थी 760 और 770 के रेंज में ये कमोडिटी वापस देखने को मिल सकता है, तो बाइंग नहीं करना चाहिए। हालांकि जिसको एक्युमुलेशन करना है इस पर्टिकुलर रेंज में करना चाहिए, तो सेल का एडवाइस रहेगा निकल में। आप कह रहे हैं कि निकल में बेचकर चलना ही बेहतर रहेगा, आपका व्यू क्या होगा अमित? क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले तमाम जानकार, तमाम एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि निकल का भाव 845 रुपए तक जाएगा, लेकिन बाजार ने उससे पहले 800 के स्तर को तोड़ दिया। इसकी पीछे वजह क्या है और आगे का आउटलुक आप क्या देख रहे हैं? जी देखिए, ऐसा लग रहा है कि निकल में बुलिशनेस वापस लौट आई है ऑन द होल, तो बड़ा व्यू अगर आप लेके चलें तो अभी भी तेजी का है, लेकिन बुल मार्केट्स में करेक्शंस नॉर्मल होती हैं, तो दिस लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ अ करेक्शन। ऐसा लगता है करेक्शन आ रही है, जो जैसे प्रथमेश जी ने बताया कि 770-775 तक एक्सटेंड हो सकती है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बाइंग की सलाह नहीं होगी, बट जो अक्यूमुलेट करना चाहते हैं वो अभी भी डिप पे बाय कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हमें फिर से 840-850 के जो लेवल्स है देखने मिल सकते हैं। ओके ठीक है प्रथमेश, आपका आउटलुक क्या है? आपको लगता है कि निकल में भी बिकवाली करके चलना ही बेहतर है? यस, निकल में मैं जैसे कि मैं कहा अभी का रेंज में अभी बाय कर, अभी भी सेल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो फॉल एक्सटेंड हो सकता है 760 तक के लिए, वहां पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल सेलिंग में रहना एडवाइजेबल है। ठीक है, तो यहां पर आप नजर रखिए, मेटल में आज भारी गिरावट आई है। लंबी और बड़ी तेजी के बाद मेटल की कीमतों में गिरावट है। अपनी ग्राफिक्स टीम से गुजारिश करूंगा कि आपको एक बार चार्ट के जरिए दिखाए कि आज पूरे दिन मेटल का क्या परफॉर्मेंस रहा है, किस तरह की चाल रही है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि यहां पर फंडामेंटल काफी स्ट्रांग माना जा रहा था, लेकिन उस तेजी के बाद बाजार में एक बिकवाली आ गई है। अभी कॉपर का भाव करीब आधा फीसदी से ज्यादा गिरा हुआ है, 442 के आसपास यहां पर ट्रेड हो रहा है। निकल में आप देख पा रहे हैं करीब 26 रुपए की कमजोरी है 796 के नीचे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो गिरावट काफी ज्यादा है और एक तेज बिकवाली का माहौल यहां पर बनता हुआ पूरे मेटल पैक में आप दिखा है। जिंक में भी यहां पर करीब 0.25% की कमजोरी आप देख पा रहे हैं ताजा हालात। तो अगर हम देखें तो चौतरफा बिकवाली आई है मेटल में, किसी एक मेटल में नहीं बल्कि तमाम जो मेटल काउंटर है यहां पर, वहां पर एक बिकवाली का माहौल यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। करीब आधा फीसदी नीचे है एमसीएक्स पर लेड का भाव, 162.40 रुपए के आसपास यहां पर लेड में फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म क्या आउटलुक आप देख पा रहे हैं अमित सजेजा मेटल का? जी देखिए, लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से अभी भी कॉपर, निकल और जिंक जो है, ये तीन काउंटर्स अभी भी बुलिश हैं। इनके इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स अगर बोले जाएं तो कॉपर के लिए 425-430 जोन बहुत क्रिटिकल सपोर्ट जोन है, जब तक इसके ऊपर है तब तक हमें 470 तक की रैली देखने मिल सकती है। निकल सिमिलरली 770-850 तक का दायरा आप ले सकते हैं, एंड लेड में जिंक में 199 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक 220 दोबारा देखने मिल सकते हैं। ब्रॉडली बुलिश ट्रेंड है इन तीन काउंटर्स में। ठीक है, चलिए वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेंगे आपके सवाल और हमारे एक्सपर्ट देंगे जवाब। तो अगर आपके पास भी सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आपको कहां पर मुनाफा मिलेगा, तो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545, साथ ही आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। इधर से इधर यही वाला ले लो सर प्लीज। हाँ चलो,
ये बंद कर दो सर जी. गुड इवनिंग पूजा. अगर कल के हम एम ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले तो नतीजों की बात कर लेते हैं. कल SBI, BPCL, DLF, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले एंड बॉश, ये वो कंपनीज हैं जिनके नतीजे आने हैं, तो इन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जो कल का दूसरा ट्रिगर है, अरे क्यों आपने ये वाला कैमरा किया है? वो तो पूरा खुला हुआ है. सही है सर कैमरा. हाँ ये लो. बीच में वो हो गया, उन्होंने कहा गलत कैमरे में देख रही हूँ. जी गुड इवनिंग पूजा. अगर कल के हम एम ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं नतीजों से. कल SBI, BPCL, DLF, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले एंड बॉश, ये वो कंपनीज़ हैं जिनके नतीजे आने हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के लिए. इसके अलावा कल सितंबर IIP के आंकड़े भी आने हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और हमने देखा था कि जो अगस्त के IIP आंकड़े थे वो काफ़ी शानदार रहे थे, तो अब देखना यही होगा कि सितंबर में आंकड़ा कैसा रहता है. कल का तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो है वो ये है कि कल महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की भी लिस्टिंग होने जा रही है. इश्यू प्राइस की बात करें तो वो 429 रुपीज़ प्रति शेयर का तय किया गया था, और ये IPO कुल 8 गुना सब्सक्राइब हुआ था. तो देखना होगा कि कैसी किस तरीके की लिस्टिंग इस IPO को मिल पाती है कल. तो ये वो अहम ट्रिगर्स है जो कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें कि आज पूरे दिन बाजार में किस तरह का एक्शन रहा है. दो महत्वपूर्ण खबरें भी आई इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के. चना वायदा यहां पर आप देख पा रहे हैं करीब 1% ऊपर बंद हुआ है. ये नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है, दिसंबर में भी इस तरह का एक्शन आप दिखा था. इसके अलावा अगर हम देखें तो सोयाबीन में 27 रुपये की गिरावट है, मस्टर्ड करीब 45 रुपये नीचे है. चना वायदा आज शुरुआती दौर में 4% के ऊपरी सर्किट तक पहुंचा था, लेकिन हायर लेवल के बाद बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, यानी बड़ी तेजी और लंबी तेजी यहां पर टिक नहीं पाई. जीरा वायदा 170 रुपये गिरकर आज बंद हुआ है. इसके अलावा अगर बात करें टर्मरिक की तो 30 रुपये की तेजी के साथ ये काउंटर बंद हुआ है, 58 रुपये की गिरावट के साथ. कोरिएंडर का फ्यूचर बंद हुआ है. तो ये कुछ ताज़ा हालात हम आपको मार्केट का बता रहे हैं. ग्वार सीड में आज 60 रुपये की नरमी आई है, ग्वारगम का भाव करीब 0.25% फिसला है. कैस्टर सीड में भी गिरावट आई है. तो यहां पर लगातार तेजी का माहौल था, उस तेजी के बाद बाजार में एक बिकवाली का माहौल बनता हुआ दिखा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगले कॉलर हमारे साथ अब रवि जुड़े हैं जयपुर से. रवि स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल. हेलो जी, पूछें. रवि टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज. हेलो सर जी, पूछें. मेरा सवाल ये है, ग्वार पर की 5,000 रुपए कब तक हो जाएगा? 5,000 रुपए ग्वार का भाव कब तक हो जाएगा ये आप जानना चाहते हैं. क्या व्यू है आपका अमित, क्या आपको लगता है कि 5,000 का लेवल मुमकिन है अभी ग्वार में? जी देखिए, 5,000 का लेवल आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ 4,000 के करीब प्राइजेस अराउंड जनवरी तक जा सकते हैं करंट लेवल्स पे. इसी कारण आप एक्यूमुलेशन चालू कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 3,300-3,400 के दायरे से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी. हाँ तो बहुत ही जल्द आपको 4,000 से 4,500 के दाम मिल सकते हैं. ठीक है, विनोद हैं अगले कॉलर हमारे साथ हिसार से, पूछिए विनोद. आज ये पूछते हैं कपास के भाव नरमा कॉटन के बारे में. जी कॉटन के बारे में आप जानना चाहते हैं. अमित कॉटन को लेकर क्या व्यू है? बम्पर क्रॉप है, करीब 400,00,000 गांठ कॉटन उत्पादन का अनुमान है. हालांकि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने करीब 100,00,000 गांठ कॉटन खरीद की योजना बनाई है, क्या ओवरऑल आउटलुक आप देख पा रहे हैं कॉटन का? जी बात सही है, लेकिन हमें प्राइजेस पे कुछ बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट फिलहाल आते हुए नहीं देखा है. ऑल्दो यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड होगा, बट एक बार मेरे हिसाब से 18,000 के करीब प्राइजेस स्लिप हो सकती हैं, जिसके बाद हमें प्राइजेस में उछाल आते हुए दिख सकता है. तो शॉर्ट टर्म अगर आप आउटलुक लें 10 से 15 दिनों का तो वीक है, बट उसके बाद तेजी बन सकती है. अपसाइड लेकिन लिमिटेड होगा 19,500 तक. ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ शशिकांत हैं सूरजपुर से, पूछिए. जी सर, मैंने NG बाय करके रखा है सर 203 पे. ओके, 203 रुपए के भाव पर आपने नेचुरल गैस बाय किया है. क्या प्रथमेश आपका आउटलुक होगा, इनको रुकना चाहिए, ये अभी भी मुनाफे में है, क्या इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर बाजार में बने रहना चाहिए?
मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। एनजी में जो मोमेंटम है वो काफी पॉजिटिव रह सकते हैं, आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में 210 के आसपास से अपनी पोजीशंस जो एग्जिट कर सकते हैं। ओके ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ राकेश हैं राजस्थान से, पूछिए राकेश। जी सर नमस्कार सर जी, हम किसान हैं, हमारे पास ग्वार पड़ा है, तो कब बेचें इसको? 2-3 महीने में 4000 का भाव आ जाएगा। 2-3 महीने का क्या आउटलुक है आपका अमित ग्वार को लेकर? जी जैसा मैंने अभी बताया कि 2 महीने के आउटलुक से प्राइसेस ऊपर आ सकती है, 4200 की रेंज हमें देखने मिल सकती है। तो अगर अभी आपके पास स्टॉक है तो होल्ड कीजिए, यहाँ से अराउंड 20% अप्रिसिएशन देखने मिल सकता है 2 महीनों के अंदर। ओके ठीक है, इसके अलावा सिल्वर को लेकर के प्रथमेश माल्या आपका ताजा आउटलुक क्या है? चांदी में अभी किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? मेरे ख्याल से चांदी को भी अगर आप एक 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के जायरे से देखें तो 39600 के आसपास बाइंग ही एडवाइजेबल रहेगा। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 39300 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में 40200 के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, मंजूर अहमद हैं हमारे साथ, पूछिए अपना सवाल। जी जी पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि गुजरात में धनिया की बुआई कितनी परसेंट है इस साल? ओके अभी बुआई को लेकर कोई ताजा अपडेट हमारे पास नहीं है कितनी बुआई हुई है, लेकिन प्राइस को लेकर अगर आप जानना चाह रहे हैं तो 52 रुपए नीचे आज ये वायदा बंद हुआ है, इसको लेकर अमित क्या आउटलुक है आपका? जी देखिए बहुत समय से धनिया एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, बट मेरे हिसाब से 5100 जब तक प्राइसेस नहीं निकाल पाती अच्छे से तब तक थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, दोबारा 4700 तक प्राइस स्लिप हो जाएगी, निचले स्तरों पे बाइंग की जा सकती है, फिलहाल अवॉइड करना चाहिए बाइंग। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ कृष्ण मुरारी हैं गुरुग्राम से, पूछिए। हेलो जी पूछे। हाँ जी सर मैंने कॉपर सेल किया हुआ है 430 रुपए में, तो अभी निकल जाऊं या फिर अभी होल्ड करूं? 430 पे आपने कॉपर बेचा है, 442 का भाव है। प्रथमेश क्या सुझाव है आपका इनके लिए? मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे और सेल करें 440-444 के रेंज में और फिर खड़े रहें तो आपको वापस 430 का भाव देखने को मिल सकता है, आपका स्टॉप रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए 449। ठीक है, दो और महत्वपूर्ण खबर आई है कल जिसका इम्पैक्ट आज हमने वायदा बाजार पर देखा है। एक तो ये कि येलो पीस पर 50% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी, इस खबर का इम्पैक्ट आज ये हुआ कि शुरुआती दौर में चने का वायदा 4% तक बढ़ चुका था, उसके बाद हालांकि हायर लेवल से करीब 3% मार्केट फिसला है, लेकिन ये बाजार के लिए एक बड़ी खबर थी, लंबे समय से इसका इंतजार था और माना यह जा रहा है कि इससे एक सेंटिमेंटल तेजी भी परसेस में देखने को मिलेगी। लेकिन आज जिस तरह से वायदा का बिहेवियर रहा है अमित, आपको लगता है कि आगे चने की तेजी टिकने वाली है? जी काफी पेक्यूलर था आज का जो बिहेवियर था, देखिए हमने 6200 से लगभग कंटिन्यूसली स्लिप होते हुए देखी है, शुरुआती तेजी के बाद सस्टेन नहीं हुआ और मुझे लगता भी नहीं है कि बहुत जल्द तेजी आनी चाहिए फिलहाल इस काउंटर में। मेरे ख्याल से 4500 तक प्राइसेस स्लिप हो सकती हैं, तो यहाँ से 300-350 रुपए की और जगह है डाउनसाइड में, जिसके बाद ये चीज का असर हमें देखने मिलेगा, शायद उसमें अभी 2-3 हफ्ते और लग सकते हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण खबर गेहूं को लेकर, गेहूं पर इम्पोर्ट ड्यूटी दोगुनी हो गई, 10% से बढ़ाकर इसे 20% कर दिया गया और इसका इम्पैक्ट आज ये हुआ कि वायदा बाजार में दाम करीब 1.5% तक बढ़ गए। आप देखिए करीब 23 रुपए ऊपर है काउंटर 1735 के स्तर पर, और एग्जैक्ट आपको बता दें कि गेहूं की MSP भी 1735 रुपए है और ठीक 1735 रुपए का स्तर वायदा बाजार में गेहूं का देखने को मिल रहा है। प्राइस को बिल्कुल मैच किया है फ्यूचर मार्केट ने, MSP के प्राइस को बिल्कुल मैच किया है। क्या आउटलुक है आपका अमित गेहूं को लेकर? जी देखिए ऐसे काफ़ी एग्री में काउंटर्स है जो काफ़ी टाइम तक अपने MSP के नीचे भी चलते हैं, तो वो एक बेंचमार्क की तरह नहीं लिया जा सकता है, बट हाँ जो एक खबर आई है इसने एक बेस जरूर दे दिया है प्राइजेस को, तो एक बार हो सकता है 1680-1650 की जोन में हमें दिख जाए प्राइजेस, बट वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव रहेगा नेक्स्ट 2 महीने के लिए, 1800-1850 के हमें देखने मिल जाएंगे। ओके राजेश हैं अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से, राजेश पूछिए। मेरे पास निकल के 5 लोट बाइंग है 850 पे और कॉपर मेरे पास 3 लोट बाइंग है अपना 450 पे निकल आपका बाई है 450-30 पे 450-30 पर कॉपर बाई है, क्या व्यू है आपका इनके लिए प्रथमेश?
मेरे ख्याल से निकल में जो है और जो है नीचे की तरफ का रुख रह सकता है 760-770 के रेंज में, तो मेरे ख्याल से इनको बाइंग पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। वैसे कॉपर में भी जो है वो रुख जो करेक्शन ड्यू है यहाँ पे 440 के नीचे मेक और ब्रेक सिचुएशन है, तो मेरे ख्याल से 425 तक ये जो फॉल है एक्सटेंड हो सकता है, तो इनको कॉपर भी एग्जिट होना बेटर रहेगा। बाइंग साइड में नहीं रहना है दो पर्टिकुलर काउंटर में। ओके ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ तस्लीम है संभल से, पूछिए। हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। पूछिए पूछिए सर, ये मेंथा कहाँ तक हो जाएगी सर हमारी? मेंथा में लगातार बड़ी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, आज भी 4% का अपर सर्किट, और ये एक ऐसा काउंटर है जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार बाजार अपर सर्किट को टच कर रहा है, जोरदार तेजी है और अब 1700 के स्तर को भी पार कर गया है। क्या है अगला टारगेट आपका अमित मेहता को लेकर? जी देखिए, ऐसे वन साइड तेजी वाले मार्केट में बहुत टाइम्स शार्प करेक्शंस भी आते हैं। ब्रॉडली आउटलुक ये है कि जब तक ये 1580 साढ़े 1500 के भाव के ऊपर सस्टेन करेगा तब तक 1900 से 2000 तक के भी टारगेट्स हो सकते हैं, तो ब्रॉडर आउटलुक अभी भी तेजी का है। एक छोटी करेक्शन 100 से 125 रुपए की रूल आउट नहीं की जा सकती है। मगर ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अमित आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? जी देखिए, ओवरऑल आउटलुक को ध्यान में रख के नेचुरल गैस एक हल्के डिप पे बाय किया जा सकता है, 204.50 के करीब टारगेट हो जाएगा 209.50 से 210 का, स्टॉप लॉस 202 का रखिएगा। आपकी रैपिड फायर कॉल प्रथमेश? गोल्ड का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए 29,450-500 के रेंज में, 29,300 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में 29,600-700 के टारगेट्स रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल अमित? जी शॉर्ट टर्म के लिए लेड अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है, 162 के करीब बाइंग कर सकते हैं, 160.50 का स्टॉप होगा और एक न्यू हाई करीबन 164.50 टेस्ट हो सकता है। ओके बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका और प्रथमेश माल्या आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं।